हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीटा भाटिया। तो देखिए, आज हम इनका हेयर कटिंग करने वाला है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, तो सारे हेयर में वाटर स्प्रे किया है और फिर देखिए अच्छे से कॉम करने के बाद इनका हेयर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वो सब हमने कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने फ्रंट से बैक तक देखिए मिडल में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है हेयर को। तो यहाँ पे हम जो आगे ईयर टू ईयर के हेयर है उस एरिया के हेयर को देखिए इस तरह से इस शेप में लेंगे, और फिर देखिए इस तरह से अच्छे से कॉम करने के बाद क्लाइंट से पूछ लेंगे फ्रेंड्स पहले कि उन्हें कितनी लेंथ चाहिए आगे से हेयर की। तो देखिए उस हिसाब से हम पहले हेयर को कट करेंगे। तो इन्हें पूछ लिया है हमने और यहाँ से कट कर रहे हैं हम। तो देखिए आप इसको गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे इसे पहले से सही कर लेंगे देखिए। और हम किस वे में कॉम करते हैं हेयर को वो देखिए आप पहले, और उसी तरह से देखिए सारे हेयर को पीछे से आगे लाना है, बैक टू फ्रंट लाना है और फिर उसे कट करना है। फ्रेंड्स अच्छे से कॉम कीजिएगा तभी आपका हेयर का शेप अच्छा आएगा और अच्छी कटिंग लगेगी आपकी। देखिए इस तरह से सारे हेयर को लाना है और फिर देखिए कट करना है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन करना ना भूलें ताकि हम जो न्यू वीडियो अपलोड करते हैं उसके बारे में आपको पता चल सके और आप हमारी वीडियो देख पाए। देखिए और हमारी इंस्टा आईडी है उसे भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह का आपका हेयर का लुक होगा, कितना अच्छा लुक आया है फ्रेंड्स देखिए। और सेम प्रोसेस है दूसरी और भी, उसी तरह से कट करेंगे हेयर को। देखिए अच्छे से कॉम करेंगे, सारे हेयर को बैक टू फ्रंट की ओर लाएंगे और फिर कट करेंगे हम। बहुत ही अच्छी अच्छी मेथड वाली हेयर कटिंग की वीडियो है फ्रेंड्स, और हमारी दूसरी चैनल है भाटिया विजल, उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इस चैनल पे भी इस तरह की हेयर कटिंग की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स चैनल को। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम कट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है फ्रेंड्स इस तरह से कट करने के बाद। ये फेदर कटिंग है, आप पीछे ले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा वी शेप में आपको सारे हेयर देखने को मिलेंगे। आप इसमें आप पीछे स्टेप और ऐड कर सकते हैं अगर आपका क्लाइंट आपको बोले तो। और देखिए आप इसमें नोचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे क्लाइंट को नहीं करवानी थी तो हमने नहीं किया है, क्योंकि नोचिंग से क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रोथ कम हो जाता है हेयर का, लेकिन लुक बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन देखिए यहाँ पर इनको नहीं करवाना था तो हमने नहीं किया है। देखिए आप कितना अच्छा लुक आया है, थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा था हेयर तो हमने यहाँ पे ठीक कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लुक आया। अब सारे हेयर को हम पीछे करके दिखाते हैं आपको। देखिए परफेक्ट वी शेप में हेयर कटिंग हुई है आपकी, और आप इसे पोनी में कन्वर्ट करेंगे, हेयर पोनी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आपके सारे हेयर अच्छे से लेयर्स अलग अलग दिखेंगे हेयर के। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्ट वी शेप में कट हुआ है हेयर। सारे आगे ले जाएंगे तो आगे फेदर लुक आएगा, और पीछे लाएंगे तो पीछे लेयर में वी शेप आएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लो ड्राई कर रहे हैं हेयर को। देखिए फ्रेंड्स आगे से इस तरह का लुक आया है, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने सिंपल सा ब्लो ड्राई किया है इसमें। और पीछे से आपने देखा कितना अच्छा लुक आया है, पीछे से और आगे से बहुत अच्छा लुक आता है। आप इस तरह से हेयर कटिंग करेंगे तो आपका भी इस तरह से अच्छा कटिंग हो जाएगा फ्रेंड्स।
देखिए कितना अच्छा लुक आया है। प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ये पीछे का हेयर का आपको दिख रहा है लेयर्स कितना अच्छा आया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कट किए हुए हेयर है, इतने हेयर यहाँ पे हमने कट किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।